सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, श्री में के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारी बार मुझसे कमेंट करके कहा है कि पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी रोहित होमियो लेबोरेटरीज की न्यू आर्थो पावर टैबलेट की, आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट करके मुझसे बोला है कि सर इसकी कैप्सूल आती है उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ रोहित होमियो लेबोरेटरीज की तरफ से आने वाली ऑर्थोजोन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। ऑर्थोजोन कैप्सूल क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और इसके इंग्रेडिएंट्स यानी कि कंपोनेंट क्या है और आप किस तरीके से इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ आप अपने या अपनी फैमिली मेंबर में किसी का इलाज कराना चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो हमारे क्लिनिक के नंबर पे फोन करके या व्हाट्सअप करके आप अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। क्लिनिक का व्हाट्सअप नंबर है 9305024291, तब इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के बारे में। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि एक टैबलेट है रोहित होमियो लेबोरेटरीज की जिसका नाम है न्यू आर्थो पावर टैबलेट। तो ये जिसके कंटेंट है जो टैबलेट है इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल में बताया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप इसकी टैबलेट के बारे में बता चुके हैं, आप इसकी कैप्सूल के बारे में बताइए, क्योंकि इसकी कैप्सूल भी इसी तरीके से जादुई वर्क करती है, एकदम मैजिकल वर्क है इसका जॉइंट्स पेन पे। तो ये वही कैप्सूल है, इसका नाम है रोहित होमियो लेबोरेटरीज की तरफ से आने वाली ऑर्थोजोन कैप्सूल। चलिए ये बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में। तो सेम जैसे उसमें थे नेट्रम सैलिसिलिकम, काली लेडेटम, कैफेरिनम, एसिड बेंजोइक यानी कि बेंजोइक एसिड जिसे हम बोलते हैं, इसके बाद कोलिचिकम, रस्टॉक्स, ब्रोइनिया, निफेलियम और मैकफॉस। तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं एक साथ इसमें पड़े हुए हैं, सेम टैबलेट में भी थे तो आप वो भी देख सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर वो सुबह और शाम का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए सिर्फ एक ऐसी बताइए जिसको मैं सिर्फ दिन में एक बार खा सकूं। तो ये आपकी ऐसी ही कैप्सूल्स है, आप सिर्फ इसको एक कैप्सूल खा करके भी अपना जो है पेन को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करती है, ये वर्क करती है किसी भी तरीके के जॉइंट्स पेन, चाहे वो अपर लिम में हो यानी कि हमारे हाथों के हो, चाहे वो रिस्ट जॉइंट का हो, एल्बो जॉइंट का हो, शोल्डर जॉइंट का हो, इवन नेक के स्टिफनेस या जो नेक में पेन होता है, गर्दन में जो दर्द होता है उसमें भी काम करती है। इसके साथ साथ बैक पेन यानी कि हमारे कमर में दर्द हो रही हो या हमारे हिप में पेन हो रहा हो इसमें भी ये काम करती है। लोअर लिम की बात करूँ तो हमारे हिप जॉइंट के अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ काम करती है, नी जॉइंट पे काम करती है और एट लास्ट नीचे सबसे पैरों में एंकल जॉइंट पर भी ये कैप्सूल काम करेगी और आपको जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है उसको दूर करेगी। अब ये किस टाइप्स के पेन दर्द करेगी, आपको किसी भी टाइप का पेन हो रहा हो, चाहे वो अर्थराइटिस का हो, चाहे वो रिमेटिज्म का हो, या कोई नॉर्मल चोट लग गई हो, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी तरीके का आपको दर्द हो रहा है, किसी भी एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी अगर दर्द हो रहा है जॉइंट्स पेन में, तो ये एज अ पेन किलर एक आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको समय पता नहीं चलेगा और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। अब इस कैप्सूल को लेना कैसे है, तो आपको जब भी आपको कहीं पेन हो रहा हो, कहीं दर्द हो रहा हो, तो आप एक कैप्सूल खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पे इस कैप्सूल को खाना है, यानी कि आपको दर्द नहीं हो रहा है तो भी आप इसको खाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई दर्द होता है तभी आप इस मेडिसिन को यूज़ करिए, यानी कि अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है या आपके जॉइंट पेन में रेगुलर बेसिस पर दर्द हो रहा है ड्यू टू एजिंग भी होता है कभी कभी, तो आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और अगर किसी एक्यूट फेज में एक्सटर्नली किसी तरीके से आपको चोट लग गई हो तो भी आप इस कैप्सूल को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कितने रुपये की है। तो ये 110 रुपये यानी कि 110 रुपीज़ की आपको ये कैप्सूल मिल जाती है। अगर खरीदना हो, बाई करना हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए अपनी फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर करिए ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके और जिनको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है,
उनको जो है इससे राहत मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये रेगुलर बेसिस पे मंगवाते हैं, क्योंकि हर बार जो है वो कहीं बाहर जाएं और मिल जाए ऐसा नहीं, तो हमारे साथ यहाँ पर लोग ऑर्डर करते हैं और ह्यूज क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में मंगा के अपने पास रख लेते हैं कि ठीक है हमने ये स्टोर करके रखा हुआ है, तो क्योंकि बाहर कहीं और नहीं मिल रहा है तो आप हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।